यह कहानी एक सीधे साधे भोले की है। भोला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और उसका पढ़ पढ़ के बुरा हाल हुआ। भोले के परिवार वाले उसके लिए एक रिश्ता लब रहे होते हैं। यार मैं कुछ बोल रहे हैं, प्लीज अपना बैंड बाजा नहीं बंद रखो, बोल के फिर मारे फिर। हाँ, एक दिन भोला और उसके परिवार वाले लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और जिस लड़की के साथ वो रिश्ता जोड़ते हैं उसका चक्कर पहले से किसी के साथ होता है। अब देखते हैं भोला और लड़की के बीच क्या वार्तालाप, क्या गल्ला बातें होती हैं। देखते हैं। बेटे सिमरन जल्दी करो बेटा, लड़के वाले आने वाले हैं। बस बेटा सिमरन जल्दी करो बेटा, लड़के वाले बस आने ही वाले हैं। पापा बस आई। हाँ जी, क्या काम है? नमस्कार भाई साहब, ये मिस्टर एक तो नाम बड़े बिछड़ने वाले गंदे हैं। तू बोल। जी मिस्टर चड्डा का घर यही है। आइए आ गए आप। वेलकम। आइए स्वागत है। अच्छा बेटा जी, आप ये बताओ, आप आजकल क्या कर रहे हो? आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आपकी लाडली बेटी क्या कर रही है? अभी तो नाक में दमे कर रही है। क्या इनका मतलब है कि नाक ना गर्भ से ऊंचा करी जा रही है, इतना ऊंचा कि नाक में पकौड़ा बन गया है। अच्छा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। प्यार की राह में। जी सुनते हो? बहुत तो अच्छी है, बट हमारे लड़के से कम अच्छी है। वो तो हमारा जान का टुकड़ा है। बेटा जी आप सुनाओ कुछ अपने बारे में। ओह नो। हाँ बेटा बताओ। क्या सुनाऊं बे, कोई बात ही नहीं है बेटा। वो वाली बात सुनाओ, वो वाली। अच्छा वो वाली, ये ना उस टाइम की बात थी, तब ना मैं बड़ा छोटा सा इतना सा बच्चा होता था। मैं अपने दोस्तों के साथ बड़ा खेलता था। एक दिन मैं खेलते खेलते इतनी दूर चला गया, बस इतना ही याद है, बाकी तो मैं भूल गया। छोटा सा बच्चा था ना मैं। ओ बहुत नोटी सच्ची आपका लड़का बहन जी। nope. हाय नजर ना लग जी मेरे बेटे को। लड़की और लड़के के परिवार वाले आपस में गल्ला बातें करके इस रिश्ते को पक्का कर जाते हैं। अब लड़की इस रिश्ते को तोड़ने के लिए चक्कर में चले चलती है। वो लड़के को फोन करके अकेले मिलने को कहती है। nope. और उसके सामने वो बीड़ी पीती है, बट दुर्भाग्य से वो बीड़ी मुट्ठी पकड़ लेती है, जिसके कारण वो पकड़ी जाती है। ऐसी चकमिया चाले चलने के बावजूद भी वो नाकाम रहती है और भोले का उस पर ट्रस्ट और बन जाता है। और लड़की गुस्से में आकर भोले को चपेट मारती है, और वो एक चपेट नहीं हजारों चपेट मारती है गुस्से में आकर। मानो उसकी चपेड़े सालों से रुकी हो और वो उस पर टूट पड़ती है।
ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਛੜ ਪੀਏ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈਕ ਵਿੱਚ ਸੋਰੀ ਸੋਰੀ ਹਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਲਦਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੈਕਟ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨੀ ਇਹ ਫੜ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਾ ਪੀਓ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ